हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विकास टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारे पास एक ये टेबल बनी हुई है और ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर क्रिएटेड है। आइटम जहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडिट करना है उस पर क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पर आएंगे। डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो है सोर्स चेंज करेंगे। सोर्स चेंज करने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो है हमारा एक और डाटा यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पर डाटा को मैनिपुलेट कर सकें। यहाँ हम लिख देते हैं एलसीडी टीवी, ठीक है। हमने यहाँ एलसीडी टीवी लिख दिया और यहाँ पर हम कोई भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको डाटा को लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद हम यहाँ पर इसका सोर्स चेंज करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर जो ये सोर्स है, इसको पहले ये माउस तक था, अब हम इसे एलसीडी टीवी कर देते हैं और इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ पर भी ओके हो गया। अब देख सकते हैं आप इजिली कि यहाँ पर जो है पहले हमारा एलसीडी टीवी यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं था, बट अभी हमारा एलसीडी टीवी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर आ सकता है, आ चुका है। तो आप इस तरीके से अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।